ए आकाशवाणी जम्मू ऐ बड़ला खबरें च तुंदा स्वागत। पहले खास खास खबरें कन्नै मैं विजय बजाज। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर अधिकारिक भाषा बिल की मंजूरी दे दी है, जिदे तहत उर्दू ते अंग्रेजी के अलावा हिंदी, कश्मीरी ते डोगरी की भी केंद्र शासित प्रदेश दी सरकारी भाषाएं च शामिल किया गया। जम्मू कश्मीर च कल कोरोना वायरस के 1235 नवे मामलों के सामने आने कन्नै इत्थे कुल मामलों की गिनती बढ़ी 66,261 हो गई है। मरने वालों की कुल गिनती 1042। मुख सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम होरें आखिया जे बिजन कोरोना दे लक्षणें आले मरीजें गी दसें दिनें दे बाद बिजन कोई नवीं जांच कीते दे छुट्टी दे दित्ती जाग। ते जम्मू कश्मीर च भिड्डें बकरियें दे पालन सरबंधी इकाइयें गी बढ़ावा देने आस्तै सरकारै संगठित भिड्ड विकास स्कीम शुरू कीती है, जिदे नै नौजवानें लई कम्म रोजगार दे मते मौके उपलब्ध होंगन। खबरें दी तफसील कन्नै जगमोहन शर्मा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर च उर्दू ते अंग्रेजी के अलावा हिंदी, कश्मीरी ते डोगरी की सरकारी भाषा के तौर पर पेश करने आले जम्मू कश्मीर दे सरकारी भाषाएं सरबंधी बिल 2020 की कल लोकसभा ने पास कर दिता। बिल च भी आखे गया जे मौजूदा संस्थागत सरिस्ते जियां जम्मू कश्मीर की कला संस्कृति ते भाषाएं सरबंधी अकैदमी केंद्र शासित प्रदेश दी इलाकाई भाषाएं दे बाधे विस्तार लई काम करोग, जिंदे च गोजरी, पहाड़ी ते पंजाबी भाषा शामिल न। अजे तगर जम्मू कश्मीर च उर्दू गै सरकारी भाषा ही, उहां एक केंद्र शासित प्रदेश च इक लौके जने तबके आसिया गै मती इस्तेमाल कीती जांदी है। उत्थे गै दुई बक्खी प्रदेश दी मती सारी आबादी कश्मीरी ते डोगरी भाषाएं दा इस्तेमाल करने आली है, पर बड़े मंदभागे आली गल है जे इन्हें भाषाएं गी कदें भी सरकारी भाषा दे तौर पर मानता नहीं दित्ती गई। अपने इस कदम कन्नै केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुंदे उस वायदे गी पूरा कर दित्ता है, जेड़ा उन्हें 5 अगस्त 2019 गी जम्मू कश्मीर गी दऊं केंद्र शासित प्रदेशें च तकसीम करने परैंत लोकें कन्नै कीता हा। कल लोकसभा च पास कीते गेदे बिलै च आख्या गया है जे जम्मू कश्मीर की सरकारी भाषाएं दे तौरा पर बरती जा करदी उर्दू ते अंग्रेजी दे संरक्षण लई ते कन्ने मती सारी मकामी आबादी आसिया बोली जाने वाली भाषाएं की सरकारी भाषाएं की सूची च शामिल किए जाने कन्ने हुण यह जरूरी हो गया है जे संसद आसिया इस बारे कानून बनाया जा। जम्मू कश्मीर च कल कोरोना वायरस दे 1235 नमें मामले सामने आए हैं, जिदे कन्नै गै इत्थे कोरोना दे कुल मामले दी गिनती बधिए 66,261 हो गई है। इन्हें नमें मामले च 736 जम्मू प्रांत ते 499 कश्मीर घाटी थमां न। इहदे अलावा कल केंद्र शासित प्रदेश च 18 जने की कोरोना करी मौत भी हुई है, जिंदे चा 7 जम्मू ते 11 कश्मीर प्रांत थमां न। जिसले कि कल गै 1619 कोरोना कसरियें गी नरोए होने पर जम्मू कश्मीर के बक्ख बक्ख अस्पतालें थमां छुट्टी दे दित्ती गई। नरोए होने आले इन्हें 1619 चा 880 जम्मू प्रांत ते 739 कश्मीर घाटी थमां न। जम्मू कश्मीर च सामने आए दे कोरोना दे कुल 66,261 मामले चा 21,485 सक्रिय मामले न, 43,734 कसरी नरोए हो चुके न ते 1042 दे अजें तोड़ी मौत होई है। मरने आले च 799 कश्मीर घाटी ते 543 जम्मू प्रांत थमां न। जिले साहब गल करचै तां जम्मू जिले च सक्रिय मामले की गिनती 5,863, राजौरी च 1,254, रामबन च 379, कठुआ च 675, उधमपुर च 690, सांबा च 824, डोडा च 1,210, पुंछ च 864, रियासी च 311 ते किश्तवाड़ च कोरोना दे 422 सक्रिय मामले न। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर च कोविड-19 दी स्थिति उपर कन्नो कन्नी नेड़मी तक रखा करदी है ते एदे फैलने पर असरदार ढंग सिर रोक लाने लई हर चाली दी मदद, सहयोग ते समर्थन उपलब्ध करवाया जा करदा है। मुख सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम होरें कल कोविड-19 की चुनौती कन्नै निबड़ने लई कीते जा'रदे जतनें दी समीक्षा लई इक बैठक सद्दी, जिहदे च मानक कार्रवाई प्रक्रियाएं दे कन्नोकन्नी नीतियां दे बारे च भी तफसीली सोच विचार कीता गया। मुख सचिव होरें सरकारी मैडिकल कॉलेज च बेहतर प्रबंधन ते निगरानी लई 150 CCTV कैमरे लाने दा निर्देश दित्ता। एदे अलावा उन्हें मैडिकल कॉलेज ते एमरजेंसी ब्लाक च इक विशेष कोविड काउंटर लाने का भी निर्देश दिता, जिथे कोविड की जांच करने लक्षण आले ते बिजन लक्षण आले मरीजें दे कन्नोकन्नी नैगेटिव मामले बखी इनेंगी बक बक करने ते इक्कै थार व्यवस्था एदी उपलब्ध होवे ए आख्या गया है। इस काउंटर पर मरीजें की मदद लई हेल्पलाइन डेस्क भी होग। कोरोना मरीजें गी अस्पतालें सवां छुट्टी देने संबंधी नीति की समीक्षा करते हुए मुख सचिव होरें संबंधित अफसरें गी निर्देश दिता जे बिजन कोविड दे लक्षणें आले मरीजें गी दसें दिनें परैंत कोई
और जांच कीते बिजन छुट्टी दे दित्ती जाई सकती है। सरबंधित अफसरें गी आख्या गया है जो बिजन लचने आले मरीजें गी बक्ख नखेड़िये रखने लई जारी दिशा निर्देशें दी तुरत प्रभाव कन्ने ते पूरी सख्ती कन्ने पालमा करन, जेदे च उंदे मोबाइल च आरोग्य सेतु ऐप दा होना भी जरूरी है। सेहत ते मैडिकल शिक्षा महकमे दे माली कमिश्नर अटल डुल्लू होरें कल आख्या जे कुसै भी आपात स्थिति कन्नै निबड़ने लई सभनें कोविड अस्पतालें च सुद्दी गिनतरी च बिस्तरें दी आक्सीजन ते आईसीयू सुविधा समेत पूरी व्यवस्था है। कल इक बैठका च सिविल समाज दे सदस्यें कन्नै कोविड प्रबंधन ते एह्दे पर काबू करने सरबंधी उपाएं बारे गल्ल करदे होई एह् गल्ल उनें आखी। मीटिंग च सेहत सेवाएं सरबंधी निदेशालय दे अधिकारियें जम्मू प्रांता च कोविड 19 दी रोकथाम लई महकमा सेहत आसेआ कीते जा'रदे बारे जानकारी दे कन्नो कन्नी प्रांता च एदी पूरी चाली स्थिति ते पूरी प्राती स्थिति दे बारे च भी दस्या दसाया गया। मीटिंग च जानकारी भी दित्ती गई जिस महामारी दी चुनौती कन्नै निबड़ने लई जिला ते सूबाई सतहें पर भी लोड़दे सब्बै जतन कीते जा करदे न। इस मौके सिविल समाज दे लोकें केईं कारी दे सुझाव भी दित्ते जिनेंगी तरोई सुनने परैंत अटल डुल्लू होरें इनेंगी सराहाया भी। उनें जानकारी दित्ती जे प्रांता च कुल 10,255 आइसोलेशन बैड मौजूद न, जिंदे चा 1,552 लगे दे न ते 8,892 खाली पेदे न। जिला जम्मू बारे उन्हें दस्सेया जे इत्थें उपलब्ध 2,720 आइसोलेशन बैडें चा 613 लगे दे न, जिसले के 2,107 बैड खाली पेदे न। उनें आम जनता अग्गे अपील कीती जे ओह इस महामारी गी लेइयै घबरन नहीं ते एह्दे सवां बचाव लई जारी दिशा निर्देशें ते हिदायतें दी सख्ती नै पालमा करन। लोकें तगर पुज्जियै उंदियें दिक्कतें परेशानियें गी जानने समझने लेई शुरू कीते गेदे सिलसिले दे तैह्त उपराज्यपाल मनोज सिन्हा होरें कल राजभवन च किश साबका मंत्रियें, विधायकें, सियासी लीडरें ते आम लोकें दे शिष्टमंडलें कन्नै भी गल्लबात कीती ते उंदे मुद्दे मसलें गी सुनेया। रविंदर रैना हुंदी अगुवाई च बीजेपी दे लीडरें दे इक शिष्टमंडल ऐ, उंदे कन्नै जम्मू कश्मीर च कोविड 19 दी स्थिति बारे गल्लबात कीती ते सरकारी मैडिकल कालेज जम्मू च सेहत ढांचे गी होर बेहतर ते निग्गर बनाने, स्कूल परतियै खोलने, एमजी नरेगा दे बकाए जारी करने, समाज कल्याण महकमे आसेआ दित्ती जाने आली पेंशनें ते आम लोकें दे हितें सरबंधी केईं मुद्दे भी बीजेपी दे शिष्टमंडलै उपराज्यपाल हुंदे अग्गे रखे। वरिंदर सिंह सोनू हुंदी अगुवाई च सिख नौजवानें दे इक प्रतिनिधिमंडल ने जम्मू कश्मीर दियें अधिकारिक भाषाएं च पंजाबी गी भी शामल करने दा मुद्दा पुट्टिया। एह्दे अलावा जम्मू कश्मीर गुज्जर बकरवाल फैडरेशन दे अध्यक्ष शोकत गुज्जर होरें गुज्जर बकरवाल समुदाय दे लोकें दी भलाई बेहतरी सरबंधी केईं मुद्दे उंदे अग्गे रखे। उनें गुज्जर बकरवाल समाज लई इक विशेष शिक्षा नीति ते गोजरी भाषा गी जम्मू कश्मीर दी अधिकारिक भाषा दे रूपै च शामल करने दी मंग भी कीती। उपराज्यपाल होरें सभनें दियें मंगें, शिकायतें ते सुझाएं गी धरोइयै सुनेया ते उंदियें जायज मंगें ते मसलें पर अमल करने दा यकीन भी दोआया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होर कोविड दे सभनें शा मते मामले आले 7 राज्यें ते केंद्र शासित प्रदेश दे मुक्खमंत्रियें ते सेहत मंत्रियें कन्नै अज्ज उच्ची सतह दी बैठक दी प्रधानता करङन। बैठक दौरान इनें 7 राज्यें ते केंद्र शासित प्रदेशें च कोविड महामारी कन्नै निबड़ने ते ओह्दे प्रबंधन दी स्थिति ते तैयारियें दा जायजा लैता जाग। एह् खबरां तुस आकाशवाणी जम्मू परा सुनारदे ओ। बाकी दियें खबरें कन्नै विजय बजाज। जम्मू कश्मीर सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश च भिड्डें ते बकरियें दे पालन आले यूनिट खडेरने गी बढ़ावा देने गित्तै संगठित भिड्ड विकास स्कीम शुरू कीती है। इस योजना दे राहें प्रदेश च रोजगार दे खरे मते मौके पैदा होंगन। इस योजना तहत इनें यूनिटें दी स्थापना लई केपैक्स दे तहत 10 करोड़ रुपए दे बजट दा औपचारिक ऐलान भी कीता गया है। इस बारे जानकारी दिंदे होई पशु ते भिड्ड पालन महकमे दे प्रधान सचिव नवीन कुमार चौधरी होरें दस्सिया जे भिड्डें ते बकरियें सरबंधी सैक्टर जम्मू कश्मीर दी अर्थव्यवस्था दा इक मुख आधार है ते इस सैक्टर की मजबूती देने आस्ते सरकार वचने बची दी है। अज महाराजा हरि सिंह जी हुंदी 126वीं जयंती है। महाराजा होर एक महान देशभक्त ते समाजी ते आर्थिक सुधार आनने आली एक महान शख्सियत हे, जिन्हें आम लोकें दे कल्याण आस्ते कई समाजी कुरीतियें जियां बाल विवाह, कन्या भ्रूण हत्या, सती प्रथा ते छुआछूत वगैरह पर प्रतिबंध लाया। ओह एक ऐसी दूरदर्शी सोच आली शख्सियत है जिन्हें आम लोकें दे हितें गी दिखदे होई जम्मू कश्मीर गी भारत कन्नै रलाने दा फैसला कीता हा। ओह जानदे हे जे भारत कन्नै रहिए गै जम्मू कश्मीर तरक्की ते खुशहाली दी बत्तै पर अगड़ा बधी सकदा है। अज महाराजा हुंदी जयंती दे मौके पर कई कार्यक्रम आयोजित कीते जा'रदे न। डोडा जिले च पेश आए दे एक सड़क हादसे च 3 जने दी मौत ते 4 जने जख्मी होई गए न। पुलसा मुजब यह हादसा उसले पेश आया जिसले जंदी राती कोई 9:15 बजे एक टाटा मोबाइल गड्डी कास्तीगढ़ के चलाई मंदिर के नेड़े हादसे का शिकार हो गई।
पुलिस पासेया दित्ती गेदी जानकारी मुजब कास्तीगढ़ थमां कुमाट वक्की जारदी एह गड्डी शिड़कै पर रुलकिए हेठ डूंगी खड्डा च जाई पई। इस दर्दनाक हादसे च त्रऊं जने दी मौके पर गै मौत होई गई, जिसले कि चार होर जने जख्मी होई गे। हादसे दे तुरत मगरा बचाव अभियान शुरू कर दित्ता गेआ ते जख्मियें गी उत्थुआं कड्डियै अस्पताल पुजाया गेआ। हादसे दे बेले 8 शा 10 लोक ते 2 खच्चर इस गड्डी च सोआर हे। उआं हासल होई दियें रिपोर्टें मुजब इस हादसे च इक खच्चर दी भी मौत होई गई है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड ने माता वैष्णो देवी जी की आरती के लाइव दर्शनें आस्ते एक मोबाइल ऐप शुरू की है। कोविड महामारी कारण बने दे मौजूदा हालात की देखते हुए भवन जाइए दर्शन नहीं करी सकते श्रद्धालुओं आस्ते यह ऐप बड़ी फायदेमंद होग। ध्यानजोग है जे एह्दे शा पहले प्रदेश के लैफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा होरें श्री माता वैष्णो देवी जी हुंदे प्रसाद की श्रद्धालुओं के घरें तक पहुंचाने वाली सेवा की शुरू करवाया हा। 17 अक्तूबर यानी नरातें के पहले रोज शुरू करवाई जा रही इस ऐप च श्रद्धालुओं आस्ते लाइव हवन करवाने की सहूलत भी होग। अखीर च खास खबरें कोई पढ़ती हैं। लोकसभा ने जम्मू कश्मीर अधिकारिक भाषा बिल की मंजूरी दे दित्ती है। जम्मू कश्मीर च कल कोरोना दे 1235 नमे मामले सामने आए ते मुख्य सचिव बी वी आर सुब्रमण्यम होरें आखिया जे बिजन कोरोना दे लक्षणें आले मरीजें गी 10 दिनें दे बाद बिजन कोई नमी जांच कीते ते छुट्टी दित्ती जाई सकती है। एह्दे कन्ने गै खबरें दा एह बुलेटिन समाप्त होआ। नमस्कार, मैं हूं अमिताभ बच्चन। चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं। बच्चों और बचपन से हमें बहुत कुछ सीखना है। याद है जब बचपन में हमें खांसी बुखार हो जाता था, बदन दुखता था तो हम रोते हुए माँ के पास जाते थे और उन्हें अपनी तकलीफ बताते थे। माँ कुछ घर की दवाई जैसे काढ़ा हो हल्दी हो उसे आराम देती थी, हमें जरूरत पड़ने पर डॉक्टर के पास ले जाती थी और कुछ दिनों बाद हम खेलने कूदने लग जाते थे। आज कोरोना की इस लड़ाई में हमें फिर से यही करना है, अपनी तकलीफ को अपनों को बताना है, राहत पाना है, इलाज कराना है, खेलना कूदना है, जीतना है, इसी में सबकी भलाई है। देखिए, बीमारी कोई कलंक नहीं होता है, परिवार तो आपका भला ही चाहता है ना। तो चलिए फिर से बच्चे बन जाते हैं, अपनी तकलीफ अपनों को बताते हैं। कोरोना से हमें लड़ना है, डरना नहीं है। बदल कर अपना व्यवहार, करें कोरोना पर वार। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर। अनलॉक 2020 की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, मगर कोरोना अभी भी हमारे बीच है। इस जानलेवा वायरस से बचने के लिए आप सबसे निवेदन है कि 3 खास बातों का पूरा ख्याल रखें। पहला ये कि अपने नाक और मुंह को मास्क या फेस कवर से पूरी तरह ढक कर रखें। दूसरा ये कि आम चहल पहल के स्थानों पे एक दूसरे से कम 6 फीट की दूरी बनाए रखें। और तीसरी अहम बात ये कि अपने हाथों को समय समय पे साबुन और पानी से अच्छे से साफ करते रहें। इसके अलावा खांसी बुखार और सांस लेने में कठिनाई होने पर जल्द से जल्द सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर 1075 या फिर जम्मू डिवीजन हेल्पलाइन 0191-252-0982 और कश्मीर डिवीजन हेल्पलाइन 0194-244-0283 पर जरूर कॉल करें। इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, जम्मू एंड कश्मीर।